दो दोस्त थे, अमित और सुहानी। अमित ने सुना था कि रात को 12 बजे बीच पर कोई लड़की दिखती है जो पास में बने होटल से समुद्र में कूद जाती है। अमित और सुहानी को भी उसके बारे में जानना था। वे दोनों चल देते हैं उस होटल के पास और ठहर जाते होटल में। उस रात दोनों वीडियो रिकॉर्ड के लिए 11 बजे उठकर कैमरा लगाते हैं, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी कोई दिखाई सुनाई ना दिया सिवाय चलती हवाओं के। तभी सुहानी को एक प्लान सोचता है कि वह खुद वहां से कूदेगी और अमित वीडियो बना लेगा। सुहानी को तैरना तो वैसे भी आता था। रात होने पर अमित कैमरा लेकर पहुंच जाता है और कैमरा लगा देता है। प्लान के मुताबिक सुहानी आती हुई दिखाई दी। सुहानी के आते ही उसने कैमरा उसी पर किया। प्लान के मुताबिक वीडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। तभी उसका फोन बजता है। फोन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि फोन सुहानी का था। उसे किनारे आने में कम से कम 10 मिनट तो लगने ही थे। तभी सुहानी बोलती है, अरे यार, रास्ता भटक गई थी इसलिए लेट हो गई। अमित कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर अमित वीडियो चेक करता है, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं था। रिकॉर्ड करते वक्त तो सब कुछ ठीक था। फिर सुहानी भी आ जाती है और प्लान के मुताबिक दोबारा वही दोहराते हैं। सब कुछ अच्छे से सूट होता है। फिर अमित सुहानी को जल्दी आने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही सुहानी किनारे पर आती है, उसे एक हाथ आकर अंदर खींच ले जाता है। यह सब देखकर अमित वहां से भागा और सीधा होटल पर जाकर रुका। होटल पहुंचकर वह चैन की सांस लेता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। अमित दरवाजे से जाकर देखता है तो उसकी सांस में सांस आती है। बाहर सुहानी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह गेट खोलता है, बाहर कोई नहीं था। यह सब देखकर अमित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसे केवल वहां से भागना था। वह मुंह धोने के लिए वॉशरूम जाता है। तभी उसे बाहर से कोई आवाज आती सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखता है तो उसकी सांस गले में अटक जाती है। वह देखता है कि उसके पलंग पर वही कपड़े पड़े थे जिसे पहनकर सुहानी समुद्र में कूदी थी। उसके बाद उसे लगातार यही सपना आता था कि सुहानी समुद्र के किनारे आ ही रही है, कि उसे कोई हाथ खींच ले जाता है। फिर एक दिन उसकी आंख 12 बजे खुलती है इस सपने से। तभी अमित रोते हुए बोलता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कूदने का। मैं तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इसके बाद सुहानी ने अमित को परेशान करना बंद कर दिया। Thank you.